उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए जारी की गई भाजपा की पहली लिस्ट में कोई समाज का एक भी प्रत्याशी न होने से समाज के लोगों ने जबरदस्त नाराजगी है। पहली लिस्ट में भाजपा ने 107 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं, लेकिन किसी पर भी कोई समाज का प्रत्याशी नहीं बनाया है। यहां तक कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 18 विधानसभा सीटों पर भी भाजपा ने कोई समाज से कोई उम्मीदवार नहीं घोषित किया है। हैरानी की बात यह है कि आगरा में बहुसंख्यक होने के बावजूद भाजपा ने कोई समाज को विधानसभा चुनाव में भागीदारी नहीं दी है। आगरा में 9 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन उनमें से एक भी सीट न मिलने पर कोई समाज को बड़ा झटका लगा है और इसे लेकर समाज में भाजपा के खिलाफ बेहद नाराजगी है। कोई समाज के लोग ये मानकर चल रहे थे कि आगरा की कम से कम 5 सीटों पर तो भाजपा उनके ही प्रत्याशी उतारेगी, लेकिन 5 तो दूर की बात है, एक भी टिकट उनके हिस्से में नहीं आई। इसी मसले को लेकर सोमवार को शहर में अखिल भारतीय कोई समाज की एक बैठक हुई। बैठक में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा नेता भगवान दास सिंघवार ने कहा कि कोरी समाज की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो भी पार्टी कोई समाज के लोगों को टिकट देगी, हमारा समाज चुनाव में उसी का समर्थन करेगा। अखिल भारतीय कोई समाज के जिला अध्यक्ष और पार्षद बंटी माहौर ने कहा कि कोई समाज हमेशा से भाजपा का साथ देता आया है, लेकिन इस बार भाजपा ने समाज के साथ धोखाधड़ी की है, जिसका बदला चुनाव में लिया जाएगा। बैठक में फैसला लिया गया है कि इस बार कोई समाज भाजपा को वोट नहीं करेगा, बल्कि जो पार्टी भाजपा को हराएगी उसका साथ देगा। यूपी के जिन जिलों में कोई समाज की संख्या ज्यादा है, वहां भाजपा कोई समाज के उम्मीदवारों को टिकट देती रही है और बदले में भाजपा को कोई समाज का वोट भी अच्छी खासी तादाद में मिलता रहा है। लेकिन इस बार भाजपा ने कोई समाज को पूरी तरह अनदेखा कर दिया है।